हार्दिक के कप्तान बनते ही मुंबई को हो गई टेंशन, क्या अब मुंबई लेगी कोई बड़ा एक्शन। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जी हां, हार्दिक जैसे ही कप्तान बने हैं मुंबई के खेमे में खलबली मच गई है। लगातार खबरें मुंबई इंडियंस को लेकर लगातार आ रही हैं, लेकिन मुंबई इंडियंस को लेकर एक टेंशन वाली बात है। मैं आप लोगों को मुंबई इंडियंस के, क्योंकि लगातार नजर हमारी हर खिलाड़ी पर बनी हुई है, हर खिलाड़ी के प्रदर्शन पर बनी हुई है, हर पूरी तरीके से रणनीति पर नजर हम लगातार बनाकर रखे हुए। तो ऐसे में हार्दिक के कप्तान बनने के बाद जो तीन टेंशन मुझे नजर आ रही हैं, जो तीन परेशानियां मुझे नजर आ रही हैं, जिन परेशानियों से मुंबई को दो-चार होना पड़ेगा, उनको चर्चा करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले 2024 में जो समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं वो कप्तान के तौर पर बदलेंगे, क्योंकि पहले रोहित शर्मा हुआ करते थे, रोहित शर्मा के बाद हार्दिक पांड्या कप्तान बन जाएंगे। तो एक नया कप्तान आएगा, नई सोच का कप्तान आएगा, नई रणनीति बनाएगा, क्योंकि अभी तक तो पिछले 10 सालों से रोहित शर्मा कप्तान थे। मैनेजमेंट को रोहित शर्मा समझते थे, मैनेजमेंट रोहित शर्मा को समझता था, खिलाड़ी भी रोहित शर्मा को भली भांति जान चुके थे, उनके व्यवहार को जान चुके थे, वो क्या चाहते हैं ये जान चुके थे। रोहित शर्मा उतने अग्रेसिव कप्तान भी नहीं है, लेकिन भाई साहब हार्दिक पांड्या जैसे ही आएंगे तो एकदम मुंबई इंडियंस में बहुत सारी चीजें बदलेंगी। जैसे हार्दिक पांड्या की सोच अलग है, हार्दिक पांड्या की रणनीति अलग है, वो थोड़े से अग्रेसिव कप्तान है, वो खिलाड़ियों पर गुस्सा भी करते हैं। जैसे कि गुजरात में रहते हुए एक बार मोहम्मद शमी पर गुस्सा कर दिया था, उसके बाद बड़ी चर्चाएं हुई थी क्योंकि मोहम्मद शमी सीनियर खिलाड़ी थे। तो ऐसे में जब हार्दिक पांड्या आएंगे कप्तान के तौर पर तो बहुत सारी चीजें मैदान पर आपको बदली हुई नजर आएंगी। लेकिन टेंशन मुंबई इंडियंस को तीन खिलाड़ियों ने दे दी है। सबसे पहली टेंशन जो है मुंबई इंडियंस को, वो खुद अपने आप कप्तान हार्दिक पांड्या है, चोटिल है, लगातार हर सीरीज से बाहर हो रहे हैं, अफगानिस्तान की सीरीज से भी बाहर हो गए हैं। तो ऐसे में हार्दिक पांड्या खुद कितने कप्तान के तौर पर फिट रहेंगे, ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है, मुंबई के मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर कप्तान ही फिट नहीं होगा तो वो बाकी खिलाड़ियों को प्रदर्शन के लिए कैसे प्रेरित करेगा, वो बाकी खिलाड़ियों से प्रदर्शन कैसे निकलवाएगा। तो यहां पर खुद कप्तान के तौर पर हार्दिक पांड्या को भी अपने आप से मतलब गुजरना पड़ेगा, अपने आप की टेंशन से गुजरना पड़ेगा, वो खुद कैसा प्रदर्शन करते हैं देखने वाली बात होगी। उसके बाद में दूसरी टेंशन है टिम डेविड, क्योंकि इस वक्त मुंबई के खेमे को अगर आप देखेंगे तो भारतीय ऑलराउंडर के तौर पर हार्दिक है और विदेशी ऑलराउंडर के तौर पर टिम डेविड है, और टिम डेविड का भी बल्ला चल नहीं रहा है, ना गेंद चल रही है ना बल्ला चल रहा है। टिम डेविड को मुंबई ने रिटेन भी किया है और कैमरून ग्रीन को निकाल दिया था। इससे तो बेहतर यह होता कि कैमरून ग्रीन को रख लेते, टिम डेविड को निकाल देते, यह भी बेहतर होता, लेकिन टिम डेविड को रख लिया और टिम डेविड का बल्ला बिग बैश में चल नहीं रहा है, ना गेंद चल रही है ना बल्ला चल रहा है, आ रहे हैं आउट होकर जा रहे हैं। तो ये एक और टेंशन मुंबई को हो गई, क्योंकि दोनों ही ऑलराउंडर चोटिल हो गए, उधर हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए, गेंदबाजी करेंगे कि नहीं करेंगे ये सवाल है, और इधर टिम डेविड जो है वो प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दूसरी टेंशन मुंबई को हो गई कि भाई साहब दोनों ही ऑलराउंडर अगर फेल हो जाएंगे तो मुंबई की टीम की तो हालत खराब हो जाएगी, ये सबसे बड़ी टेंशन है। उसके बाद में जो मुंबई की टेंशन बढ़ा दी है वो दो खिलाड़ियों ने और बढ़ा दिया, चोटिल हो गए हैं। जैसे भारत के खिलाफ जो दूसरा टेस्ट मैच होगा उसमें कोहजी नहीं खेलेंगे, कोहजी चोटिल हो गए हैं। अब जसप्रीत बुमराह के साथ कोहजी का बड़ा किरदार रहने वाला है 2024 में, तो कोहजी किस तरीके की परफॉर्म करते हैं, कैसे फिटनेस को अपनी को बनाकर रखते हैं, किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं, ये बड़ा इस पर बड़ी नजर रहने वाली हर किसी की। तो कोहजी का अनफिट होना भी मुंबई के लिए बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है। उधर सूर्य कुमार यादव पैर में पट्टी बांधकर घूम रहे हैं, उनके पैर में फ्रैक्चर है, माइनर फ्रैक्चर है वैसे तो, लेकिन फ्रैक्चर है, तो ये बहुत बड़ा सवाल होगा, क्योंकि सर्दी में जो फ्रैक्चर वाली चोट है वो लेट सही होती है। सर्दी बहुत जबरदस्त पड़ रही है और जनवरी फरवरी में सर्दी पूरी कड़ाके की पड़ने वाली है और मार्च में आईपीएल शुरू हो जाएगा। तो सूर्य कुमार यादव कितना फिट हो पाएंगे अपनी चोट के साथ, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि फ्रैक्चर के साथ तो सूर्य कुमार यादव ना उतरेंगे, ना मुंबई उन्हें उतारना चाहेगी, बीसीसीआई भी नहीं उतारना चाहेगी, क्योंकि बीसीसीआई की नजर हर किसी के फिटनेस पर है इस वक्त। और क्योंकि आईपीएल के बाद टी20 विश्व कप भी टीम इंडिया को खेलना है और वहां पर सूर्य कुमार यादव का बड़ा अहम किरदार होने वाला है, तो इस बात पर भी बीसीसीआई की नजर रहेगी। तो जाहिर तौर पर यह मुंबई के लिए बड़ी टेंशन वाली बात है। आपका क्या मानना है, क्या आपको लगता है हार्दिक पांड्या के कप्तान बनने के बाद मुंबई के सितारे बदलेंगे या फिर हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाकर मुंबई ने गलती कर दी, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट हर टीम के मिलते रहेंगे। थैंक यू।